हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस। अभी हम देखेंगे दौलत बेग ओल्डी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द यूपीएससी आईएएस एसएससी बैंक एंड पीसीएस के लिए। सो दिस टॉपिक इज एक्सप्लेन बाय मी गणेश। ओके, सो चलिए देखते हैं इसका जो न्यूज किस लिए है एंड इसका लोकेशन, ओके, इसका हिस्ट्री एंड पूरा डिटेल्स में हम डिस्कशन करेंगे। सो चलिए देखते हैं क्या है। पहले तो हमें लोकेशन देखेंगे। लोकेशन के बारे में देखेंगे तो आप यहाँ पे जो रेड सर्कल देख रहे हो ये है दौलत बेग ओल्डी। सो ये हो गया चाइना, हो गया एंड यहाँ पे हो गया पाकिस्तान। ओके, सो चाइना का जो बाउंड्री आप देख रहे हो ये जो है इंडिया के साथ टच है, जो कि इसको बोलते हैं एलएसी बोलते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे देख रहे हो लद्दाख देख रहे हो, कारगिल यहाँ पे है। सो अभी जो हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में दौलत बेग ओल्डी, सो इसमें ये जो नाम है सायोक, ये कहाँ पे है लोकेशन, ये हो गया डरबुक, ये हो गया लेह, ये हो गया। सो ये जो चारों, ठीक है, अभी डिस्कशन करेंगे इसमें भी आएगा। एंड इसका जो लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। एंड ये जो है दौलत बेग ओल्डी जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये नियरली एलएसी से 8 to 9 किलोमीटर्स, मैक्सिमम 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो श्रीनगर हो गया। सो चलिए देखते हैं इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली न्यूज में क्या है, सो न्यूज में ये है कि 255 जो है किलोमीटर्स का जो लॉन्ग डरबुक सायोक दौलत बेग जो कि ओल्डी है, जो कि यहाँ पे जो कि रोड जो कि कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो कि वो जो रोड है वो ऑल वेदर रोड है, मीन्स हर क्लाइमेट में वहां पे जा सकते हो जो रोड बनाया। ओके, सो यहाँ पे जो है अभी जो इंडिया एंड चाइना के बीच में जो स्टैंड अप चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो एरिया है न्यूज में है। सो इसको बिल्ड करने वाला कौन है ना, बीआरओ, ठीक है, बीआरओ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ये जो रोड है ये रन्स होता है पैरेलल टू द एलएसी एंड ये कनेक्ट कहां से कहां तक करता है ना, लेह टू दौलत बेग ओल्डी। सो बीआरओ के बारे में देखेंगे, बोडो रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड बोडो रोड्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है एंड मेंटेन करता है जो कि रोड्स नेटवर्क इन द इंडिया का जो बॉर्डर एरिया में बीआरओ का काम ही है एंड फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री में भी ये बीआरओ इसका हेल्प करता है एंड ऑफिसर्स फ्रॉम द बॉर्डर जो कि रोड्स इंजीनियरिंग सर्विस एंड पर्सनल फ्रॉम द जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स फॉर्म द पेरेंट कैडर ऑफ द बीआरओ। सो देखेंगे तो दौलत बेग जो ओल्डी है ये एक नॉर्दर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडियन टेरिटोरी इन लद्दाख, मैंने जो दिखाया था मैप में, ठीक है। सो ये एक जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट जो कि एयर स्ट्रिप है। सो यहाँ पे हम देखेंगे एयर स्ट्रिप का मीनिंग क्या है। ओके, सो एयर स्ट्रिप का ये मीनिंग होता है एक लॉन्ग और एक फ्लैट पीस ऑफ द लैंड जो कि वहां पे ट्रीज रॉक्स उसको क्या है ना रिमूव करते हैं, किसके लिए ना, एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए, उसको बोलते हैं एयर स्ट्रिप। ये जो है एक हाईएस्ट जो कि वर्ल्ड का सबसे जो हाईएस्ट में ऊंचाई में है ये एयर स्ट्रिप है, जहां पे क्या है ना एयरक्राफ्ट क्या करता है ना लैंड करता है, ठीक है। ओरिजिनली इसको बिल्ट हुआ था ड्यूरिंग द 1962 में, बट उसको उसके बाद जब वार हुआ था उसके बाद इंडिया उसको अबेंडन किया था। ओके, इन अंटिल 2008 तक, फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने वहां पे जो है वहां का जो एक मिलिट्री बेस वहां पे एस्टेब्लिश किए थे, जो कि वहां पे क्या है ना एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स जो कि वहां पे लैंड कर सकता है। ओके, सो वेस्ट ऑफ दौलत बेग ओल्डी देखे के रीजन जो कि है वे द चाइना अब्यूट्स द पाकिस्तान इन द जो कि गिलगिट बलिस्तान एरिया। सो दौलत बेग ओल्डी के बारे में हिस्ट्री की जो कि कैंपसाइट है एंड करेंटली मिलिट्री बेस जो कि लद्दाख में बना है इंडिया ने, ठीक है।
सो इंडिया जो है, इंडिया ऑन द एंशियंट ट्रेड रूट वे, ये जो साइट है दौलत बेग ओल्डी, कनेक्टिंग करता है लद्दाख टू द टेरिन बेसिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये है, दौलत बेग नाम कहाँ से आया। बेसिकली ये जो नेम है अपना द सुल्तान सैड खान, उनके नाम से ही आया है। ये कौन थे? ये जो थे ये इन्वेजन किए थे कहाँ पे ना, लद्दाख एंड कश्मीर में। ठीक है, सो कश्मीर में ये इन्वेजन करके रिटर्न जा रहे थे, उस टाइम में उनका जो डायड हुआ था इस एरिया में। सो उनका नाम पे ही दौलत बेग, उनका नाम से ही ये जो एरिया का नाम रखा गया है। सो यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या होता है ना, यहाँ पे कौन सा रिवर फ्लो करता है? चिपचाप रिवर जो है यहाँ पे फ्लो करता है, साउथ ऑफ दौलत बेग ओल्डी जो, फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। सो दौलत बेग ओल्डी जो है ये एयर स्ट्रिप है, जो कि एलिवेस्ट, जो कि अल्टीट्यूड नियरली 5,065 मीटर है, जो कि कन्वर्ट करेंगे फीट में तो 16,614। ये एक जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया। लोकेशन एंड फिजिकल कंडीशन देखें, दौलत बेग ओल्डी जो है लाइज नियर द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द काराकोरम रेंज। ये सबसे जो है कोल्ड डिजर्ट रीजन है, जो कि फार फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द इंडिया एंड जस्ट 8 किलोमीटर साउथ ऑफ द चाइनीज बॉर्डर एंड 9 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अक्साई चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, जो कि चाइना। सो अदर देन सियाचिन ग्लेशियर मिलिटरी बेस, यहाँ पे जो है इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट जो कि सेटलमेंट है, द नियरेस्ट सिविलियन टाउन जो है मुर्गो है, जो कि साउथ में रहते हैं। यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन जो, ठीक है, एक है जो कि उनको बोलते हैं क्या ना, बाल्टीज। सो इंडिया गवर्नमेंट जो है फर्स्ट अनाउंस किया था 2001 में, जो कि कंस्ट्रक्शन करने, जो कि करेंगे मोटरेबल रोड फ्रॉम द लेह टू डेस्टिनेशन एट द दौलत बेग ओल्डी। सो ये जो रोड है ये कंप्लीटेड हुआ था 2019 में, 2001 से लेकर 2019 में कंप्लीट हुआ। सो ये जो है 255 किलोमीटर डार्विक सायोक, ये डीबीओ जो कि शॉर्ट में बोलते हैं, जो कि दौलत बेग जो ओल्डी है रोड जो है ये रन्स करता नियरली एलिवेशन ऑफ 4,000 to 5,000 मीटर्स के ऊपर। सो टेम्परेचर यहाँ का देखेंगे नियरली 5, जो कि वेरी लो रहता है, जो कि -55 डिग्री सेल्सियस रहता है इन द विंटर में। ओके सो यहाँ पे जो है आइसी विंड्स रहता है। दौलत बेग ओल्डी जो है वेरी लिटिल इफ द वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। सो यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन बहुत ही प्रॉब्लम रहता है, बट वहाँ पे क्या है ना, इमारसेट जो कि सेटेलाइट फोन बोलते हैं उसको, इमारसेट से ही पब्लिक क्या है एंड डिफेंस वाले जो है वहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है, सेटेलाइट फोन के द्वारा। सो दैट्स ऑल।